हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ ग्रीन मूंग दाल की आमटी। सो लेट्स स्टार्ट। ये है मूंग। मूंग को मैंने रात को भिगो के स्प्राउट आया है इसमें, तो इसमें मैं हल्दी और नमक डाल के अच्छे से बॉईल करके लूँगी। एक ही सीटी दूंगी, ज़्यादा नहीं। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे तेल लिया है, इसमें मैं अभी राई डालूँगी। राई एकदम फ्राई होना चाहिए। उसके बाद उसमें जीरा डालूंगी। जीरा डालने के बाद हींग डालूंगी। उसके बाद ये ओनली जिंजर, उन्हें गार्लिक, सॉरी जिंजर नहीं, गार्लिक को मैंने थोड़ा सा क्रश करके लिया है। जिंजर नहीं डालूंगी मैं इसमें, सिर्फ गार्लिक डालूंगी और अच्छे से इसको ब्राउन होने दूंगी। इसके बाद इसमें मैं ऑनियन डालूंगी। टोमेटो अभी नहीं डालूंगे, सिर्फ ऑनियन डालूंगी और इसको अच्छे से ब्राउन होने दूंगी। अभी टोमेटो डालेंगे इसमें। टोमेटो को भी 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। अभी इसमें हम लोग 1 स्पून चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, क्योंकि दोनों हम लोग ने मूंग को पकते वक्त डाला है, और 1 बड़ा चम्मच मालवनी मसाला। ये ऑथेंटिक मालवनी मसाला है, जो मेरी फ्रेंड ने दिया है, वो बिजनेस करती है। इससे आपका आमटी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी ऑयल सेपरेट होने तक इसको पकाने का। अभी हम ये मूंग को इसमें डालेंगे और 6-8 मिनट्स तक इसको अच्छे से मिक्स करके रखेंगे। इसमें मैं अभी 1/2 स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्स करके ऑयल सेपरेट होने तक वेट करूंगी। उसके बाद आपको जैसे क्वांटिटी का वाटर लेना है, वैसे आपको थिकनेस कितना चाहिए उसके हिसाब से पानी डालूंगी। अभी मैं इसमें 1 कप पानी डालूंगी और इसको अच्छे से कम 10 मिनट्स के लिए पकने को छोड़ दूंगी। अभी आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट हो चुका है और आपकी मूंग भी अच्छी तरह से पक चुकी है। इसमें हम कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और 2-3 सेकंड के लिए रखेंगे और फिर बंद कर देंगे। गाइस, ये है फाइनल लुक ऑफ मूंग दाल की आमटी की। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगा।
अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।